अस्सलाम वालेकुम एलाइड स्कूल फर्स्ट कैंपस क्लास 3 स्प्रिंग पैक सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। योर फर्स्ट पोर्शन इन इंग्लिश ग्रामर इज स्टोरी विच इज़ अबाउट डू गुड हैव गुड। आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट अ लायन एंड अ रैट। वंस अ लायन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। एक दफ़ा एक लायन शेर दरख्त के नीचे सो रहा था। अ रैट रैन ओवर हिज बॉडी। जो एक चूहा था वो उसकी बॉडी के इर्द गिर्द जो है घूम रहा था। द लायन वेक अप। जो लायन था वो गुस्से से उठा। ही कॉट होल्ड ऑफ द रैट। उसने चूहे को पकड़ लिया। ही वॉन्टेड टू किल इट। वो उसे मारना चाहता था। द रैट बेग्ड फॉर मर्सी। जो चूहा था उसने माफ़ी मांगी। द लायन टुक पिटी ऑन इट एंड लेट इट गो। जो लायन था शेर था उसको रहम आया चूहे पर और उसने उसे जाने दिया। आफ्टर सम टाइम कुछ वक्त बाद द लायन वॉज कॉट इन अ ट्रैप। जो एक शेर था एक शिकारी वहाँ पर आया। शेर को उसने एक जाल में फंसा लिया। ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू ब्रेक द रोप्स बट फेल्ड। उसने बहुत कोशिश की कि वो जो रस्सियाँ थीं उसे तोड़ दे और वहाँ से निकल जाए, लेकिन क्या हुआ वो नाकाम रहा। ही बिगन टू रोर। उसने गुर्राना शुरू किया। द रैट हियर्ड द नॉइस। जो चूहा था उसने शोर की आवाज़ सुनी। इट रैन टू द स्पॉट एंड कट द रोप्स विद इट्स शार्प टीथ। जो चूहे के दांत थे नुकीले दांत तेज़ दांत, उसने अपने दांतों के ज़रिए उस सारी रस्सी को काट दिया। सून द लायन वॉज फ्री। जल्द ही जो शेर था वो फ्री हो गया। ही थैंक्ड द रैट फॉर इट्स हेल्प एंड वेंट अवे। दैट्स वाई वी से अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी हमेशा अच्छा होता है। दिस स्टोरी आपने इसको जो वर्ड पेज गिवन है उस पर भी राइट करना है और दो बार अपनी नोटबुक पे भी लिखना है। द नेक्स्ट वन इज़ लेटर। दिस लेटर इज़ अबाउट टू थैंकिंग योर फ्रेंड फॉर बर्थडे गिफ्ट। एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC एंड देन डेट डियर हिरा। अस्सलाम वालेकुम। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल बर्थडे गिफ्ट। मैं ये ख़त लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ आपको किस लिए, थैंक करने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए जो आपने मुझे बर्थडे प्रेजेंट दिया। द रिस्ट वॉच यू हैव सेंट इट्स स्प्लेंडेड। जो रिस्ट वॉच हाथ में पहनने वाली घड़ी आपने दी है बहुत खूबसूरत है, स्प्लेंडेड है। इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू टू गिव मी सच अ लवली प्रेजेंट। आपकी बहुत मेहरबानी और प्यार है कि आपने इतना खूबसूरत गिफ्ट मुझे दिया है। होप यू ऑल आर वेल। उम्मीद करती हूँ या उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स योर लविंग फ्रेंड XYZ। इस लेटर को आपने वर्क पेज पे भी लिखना है और दो बार अपनी नोटबुक पे भी राइट करना है। द नेक्स्ट वन इज़ राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सिनोनिम्स मीन सेम मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल एंग्री, गुस्सा आना। एंग्री के सेम मीनिंग्स के साथ सिनोनिम क्या होगा? फ्यूरियस। इसके भी सेम मीनिंग है। अमेजिंग, हैरानकुन। इनक्रेडिबल, उसका सिनोनिम cry, rona, and weep is also meaning synonym of cry. Next one is words opposites. Words mean alfaz and opposites uske baraks, uske mutazad. For example, new, nayi cheez, old, purani. Right, seedha, wrong, ulta, and so on. The next one is write the plural of the following singulars. Singulars mean single and plural mean ज़्यादा, एक से ज़्यादा जिसे कहेंगे वाहिद एंड उसको कहेंगे जमा। वुमेन, विमेन। टूथ, टीथ। फुट, फीट। पर्सन, पीपल। लीफ, लीव्स। आपने ये सारे सिंगुलर प्लूरल अपने वर्क पेज पर जो आपके स्प्रिंग पैक पे गिवन है उस पर सॉल्व कर दिए। द नेक्स्ट वन इज़ राइट द फेमिनिन ऑफ द गिवन मैस्कुलिन। मैस्कुलिन मीन हम कहते हैं मुजक्कर एंड फेमिनिन मौनस। बुल, जिसे हम कहते हैं बुल एंड उसका फेमिनिन क्या होगा? काओ। स्टैग, हिंट। ड्रोन, बी। किंग, क्वीन। फादर, मदर। सर, मैडम, लॉर्ड, लेडी, नेफ्यू, नीस। हंटर, हंट्रेस। एक्टर, एक्ट्रेस। इस क्वेश्चन को भी आपने अपने स्प्रिंग पैक पर ही सॉल्व करना है। द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट एसे। द टॉपिक ऑफ एन एसे इज़ समर वेकेशंस, गर्मियों की छुट्टियाँ। वेकेशंस आर द बेस्ट टाइम टू हैव फन। वेकेशंस छुट्टियाँ जो होती हैं एक बहुत अच्छा पीरियड होता है इन्जॉय करने के लिए, फ़न करने के लिए। इट इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट यू इन्वॉल्व इन न्यू थिंग्स एंड डिवेलप न्यू स्किल्स। ये एक ऐसा वक्त होता है जिसमें आप नई चीज़ों के बारे में सीखते हैं और नई स्किल्स आपके अंदर आ रही होती हैं।
ड्यूरिंग माई समर वेकेशन आई ज्वाइंट द समर कैंप. समर वेकेशंस में मैंने एक समर कैंप ज्वाइन किया. इट वॉज़ द डे कैंप कंडक्टेड बाय माई स्कूल. ये वो कैंप था जो कंडक्ट किया गया था मेरे स्कूल की तरफ से. आई हैव अटेंडेड. क्या क्या किया मैंने समर कैंप में? पेंटिंग, सिंगिंग, कराटे क्लासेस. इट वॉज़ 15 डेज कैंप. ये 15 दिन का कैंप था. एंड ऑन द लास्ट डे, सबसे आखिरी दिन, माई टीचर्स अरेंज अ ट्रिप टू नियर बाय पार्क. जो टीचर्स थीं उन्होंने एक करीब के पार्क में एक ट्रिप अरेंज किया. द वेदर वॉज नॉट सो फेवरेबल. मौसम को इतना खुशगवार नहीं था. वी ऑल इन्जॉयड इट अलॉट. हमें फिर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया. आई हैव कलेक्टेड मैनी मेमरीज़ फ्राम द कैंप. मैंने बहुत ज़्यादा मेमरीज़ कलेक्ट की इस कैंप से. इवन आई मेड न्यू फ्रेंड्स. मैंने नए दोस्त बनाए. आई एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन ऑल द एक्टिविटीज़. जितनी भी एक्टिविटीज़ थी मैंने एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट किया. आई हैव लर्न सो मच इन दीज वेकेशंस. मैंने इस वेकेशंस में बहुत कुछ सीखा था. इस जो टॉपिक है आपका समर वेकेशन ऐसे का, इसे वर्क पेज पे भी अपने राइट करना है जो आपके स्प्रिंग पैक पे गिवन है, और इसको दो बार अपनी नोटबुक पे भी आपने राइट करना है. द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट कॉम्प्रीहेंशन. कॉम्प्रीहेंशन मीन अ पैसेज जिसको आपने रीड करना है, और उसके जो अंडर है कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उससे रेलिवेंट क्वेश्चन होते हैं, उसे सॉल्व करना है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पैसेज. दैट वॉट इस पैसेज. पैसेज क्या है और इसमें क्या लिखा हुआ है? फॉरेस्ट आर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दैट हैव अ लॉट ऑफ ट्रीज. जंगलात हम कहते हैं दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें बहुत ज़्यादा दरख्त मौजूद होते हैं. सम फॉरेस्ट आर स्मॉलर देन अदर्स. कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं. बट अ पॉपुलर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फॉरेस्ट. तमाम फॉरेस्ट का जो एक हम कहते हैं कि पॉपुलर करेक्टरिस्टिक खसूसियात है, वो क्या है? एक खसूसियत जिसे कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं. अ लॉट ऑफ ट्रीज़. वेजिटेशन, बहुत ज़्यादा पौधे मौजूद हैं. प्लांट लाइफ मौजूद होती है उसके अंदर. वेजिटेशन मीन प्लांट्स को कहते हैं. इन अ फॉरेस्ट देयर आर टन्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज़, प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम कहते हैं लाखों की तादाद में उसके अंदर दरख्त, पौधे और जानवर मौजूद होते हैं. एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट रेंज फ्राम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. अब जो एनिमल्स मौजूद हैं उसमें कुछ मैमल्स भी होते हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं, और कुछ इंसेक्ट्स वगैरह भी मौजूद होते हैं. वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर रेन फॉरेस्ट. सबसे ज़्यादा पॉपुलर टाइप जो है फॉरेस्ट की, वो कौन सी है? रेन फॉरेस्ट, जहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं. दूसरी टाइप्स में हम कह सकते हैं डेडिशियस फॉरेस्ट, जो पतझड़ होता है. उसके बाद टैगा फॉरेस्ट एंड कॉनिफर्स. टैगा एंड कॉनिफर्स हम कहते हैं सनोबर, नोए सनोबर एंड सनोबर के जो जंगलात होते हैं. इस पैसेज को रीड करने के बाद यू विल एबल टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन. योर क्वेश्चन नंबर वन इज़ व्हाट डज वेजिटेशन मीन. वेजिटेशन इज़ अ जनरल टर्म फॉर द प्लांट लाइफ ऑफ अ रीजन. प्लांट लाइफ के लिए जो एक जनरल टर्म यूज़ की जाती है उसे हम कहते हैं वेजिटेशन. व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स आर इन अ फॉरेस्ट? आपने अभी पढ़ा मैमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. नेम टू डिफरेंट टाइप्स. आपने फोर डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, इसमें से कोई सी भी आप दो यहाँ पर नेम लिखेंगे कि कौन सी टाइप्स हैं फॉरेस्ट की. व्हाट इज़ अ पॉपुलर करेक्टर ऑफ ऑल फॉरेस्ट? द पॉपुलर करेक्टर ऑफ ऑल फॉरेस्ट अ लॉट ऑफ ट्रीज, वेजिटेशन और प्लांट लाइफ. इस कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस के क्वेश्चन आंसर आपने अपने स्प्रिंग पैक पे भी सॉल्व करने हैं, प्लस टू टाइम्स अपनी नोटबुक पे भी राइट करने हैं. द नेक्स्ट वन इज़ योर बुक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर. द फर्स्ट वन पोर्शन इज प्रॉपर नाउन. नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट आर प्रॉपर नाउन्स. नाउन क्यों पहले डिफाइन करते हैं? दैट व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग. प्रॉपर नाउन मीन्स स्पेसिफिक नेम फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी खास चीज़, जगह या इंसान के नाम को हम कहते हैं वो क्या है? प्रॉपर है. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं, अच्छा एक और चीज़, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. अब यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है कॉमन एंड प्रॉपर नाउन की. फॉर एग्जाम्पल कॉमन नाउन क्या है? आई वॉन्ट टू बी अ राइटर. मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ. प्रॉपर नाउन क्या होगा? इशफाक अहमद रॉट मैनी बुक्स. इशफाक अहमद इज़ प्रॉपर नेम, सो दिस इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन. अगेन सेकेंड एग्जाम्पल है आईड लाइक टू अडॉप्ट अ कैट. मुझे शौक है कि मैं एक कैट को अडॉप्ट करूँ. रॉक्सी इज़ द क्यूटेस्ट किटन एवर. सो रॉक्सी क्या है? प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नेम है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन इन ईच सेंटेंस.
आई एम जस्ट होपिंग कि प्रॉपर नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी फील करेंगे. द नेक्स्ट वन इज रीड एंड सॉल्व द पेज नंबर 7, 8, and 9 इन योर बुक. आपकी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है उस पर पेज नंबर 7, 8, 9 इज अबाउट प्रॉपर नाउन. यू हैव टू सॉल्व इट ऑन योर बुक. द नेक्स्ट वन आर एडजेक्टिव्स. नाउ वॉट आर एडजेक्टिव्स? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल अस मोर अबाउट अ नाउन. जो हमें मोर ज़्यादा बता रहा होता है अबाउट द नाउन, इट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन. फॉर एग्जाम्पल, द बिग डॉग वॉज हंग्री. एग्जाम्पल में हम देखते हैं इसकी, बेन इज एन एडोरेबल बॉय, बेबी. बेन इज एन एडोरेबल बेबी. सो एडोरेबल क्या है? एडजेक्टिव. शी वॉर अ ब्यूटिफुल ड्रेस. उसके बाद हम कहते हैं ड्रेस एक नाउन है, तो उसके बारे में मोर अबाउट नाउन जो उसको मॉडिफाई करके बता रहा है, तो वो क्या है? ब्यूटिफुल ड्रेस है. आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन ईच सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, बिली ड्रिंक्स हॉट मिल्क. मिल्क इज एन नाउन, और जो हमें नाउन के बारे में कुछ और बता रहा है वो क्या है? एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, हॉट. दिस इज एन अमेरिकन बॉय. बॉय इज अ नाउन, और अमेरिकन हमें क्या बता रहा है? मोर अबाउट नाउन, कि वो अमेरिकन बॉय है. सो हम कहेंगे ये क्या है? एडजेक्टिव है. उसके बाद आपके बुक पे पेज नंबर 10 and 11 ऑन योर बुक आपने उसको सॉल्व करना है. इट ऑल अबाउट द एडजेक्टिव्स. थैंक यू.